आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हम सभी नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। नवरात्रि का पर्व शांति और शक्ति का प्रतीक होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम सभी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, गरबे खेलते हैं तथा खूब हर्षित होते हैं। आप सब जानते हैं कि माँ दुर्गा कौन है? माँ दुर्गा शिव जी की पत्नी है। उन्हीं का नाम है माता पार्वती। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप माने गए हैं। हम माँ दुर्गा की पूजा, भक्ति, आराधना क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री भगवान शिव की पत्नी है। हमारे तीनों पूजनीय देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा माँ शैलपुत्री को नमन किया जाता है। माँ शैलपुत्री उन्हें बुद्धि और बल प्रदान करती है। माँ शैलपुत्री की सवारी बेल है। माता सभी मनुष्यों को, महिलाओं को जिनमें भय व्याप्त है, उन्हें भयमुक्त करके शक्ति प्रदान करती है, जिससे उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी। हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। उनमें से सबसे प्रबल होता है मंगल ग्रह, और उसका संचालन कौन करता है? माँ ब्रह्मचारिणी। वे आजीवन ही ब्रह्मचारी रहीं और शिवजी की सदैव ही आराधना करती रहीं। वे हमें बुद्धिमत्ता, शक्ति और सकारात्मक होने का वरदान देती है। इनके एक हाथ में 108 मोतियों की जपमाला और दूसरे में कमंडल होता है। हमें उनसे यह सीख मिलती है कि जीवन में परेशानी आने पर उदास ना होकर धैर्य रखें और सकारात्मक रहें। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती शिव से विवाह के पश्चात उनके सिर पर सज्जित अर्धचंद्र से प्रोत्साहित होकर माँ ने स्वयं चंद्र धारण कर लिया। इसी कारण माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ नकारात्मकता को सकारात्मकता में, दुख को सुख में और निराशा को आशा में बदलती है। माता से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना मिले, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और चंद्रमा की तरह शीतल और शांत बने रहना चाहिए। नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित किया जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। पुराणों में कहा गया है, जब ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, दानवों ने अपनी नकारात्मकता फैला रखी थी, तब सूर्य की रोशनी से माँ कुष्मांडा ने अवतार लिया। देवी कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड रोशन हुआ। माँ कुष्मांडा बाघ की सवारी करती है। माँ कुष्मांडा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में किसी भी परेशानी से भयभीत नहीं होना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। शिवजी के पुत्र स्कंद की माता को स्कंद माता कहते हैं। इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे हम सभी का बच्चों की तरह ध्यान रखती हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों पर सब कुछ न्योछावर कर देती है और बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखती है, वैसे ही हमें भी सबका ध्यान रखना चाहिए और बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवता भयभीत हुए, चिंतित होकर भगवान शिव की पत्नी माँ कात्यायनी से आग्रह करते हैं कि हे माँ, महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड में त्राही मचा दी है। तब माँ क्रोधित हुई और सभी देवताओं की शक्तियों को अपने अंदर समा लिया और महाशक्तिशाली हो गई। फिर माता और महिषासुर के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ और अंत में माता ने महिषासुर का वध कर दिया। तब सभी देवताओं ने जयघोष किया और सिंह पर सवार माँ कात्यायनी को नमन किया। आज नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। रक्त बीज नामक दानव की प्रताड़ना की शिकायत करने सभी देवी देवता माँ पार्वती के पास गए। उन्हें सब कुछ सुनकर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने माँ कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। सभी ने उन्हें देखकर नमन किया।
माँ काल रात्रि ने रक्त बीज से युद्ध करा और उसका श्रृंगार कर दिया और जहां जहां उसका रक्त गिरा वहां नए असुर का जन्म हो गया। ये देखकर माँ काल रात्रि का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया और उसका रक्त ग्रहण कर लिया। उसके बाद सभी ने माता को नमन किया। माँ कालरात्रि ने माँ पार्वती के रूप में आ गई। माँ कालरात्रि निडरता तथा शक्ति का प्रतीक है। वह दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। माँ महागौरी अत्यंत ही सुंदर हैं। शिवजी से विवाह करने के लिए उन्होंने कई सालों तक बिना रुके कठोर तपस्या की थी, जिस कारण उनका शरीर काला पड़ गया। शिवजी ने यह देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें गंगा जल से वापस पवित्र कर दिया। इसके लिए हम माँ गौरी को शत शत नमन करते हैं। माँ गौरी एकता और पवित्रता की प्रतीक हैं। उनसे हम यह सीखते हैं कि कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है। नवरात्रि का नवा दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। माँ सिद्धिदात्री अलौकिक शक्तियों की देवी है। पुराणों में बताया गया है कि शिवजी को भी उनकी सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री के कठोर तपस्या करने से प्राप्त हुई है। माँ की आराधना करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। हमें उनसे यह सीख मिलती है कि आराधना से ही नहीं परिश्रम करने से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। रुको, एक तरफ सभी लोग आधुनिकता और शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं पर दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, आधुनिकता और संस्कृति दोनों के साथ आगे बढ़ना है।